महापात्र को दान दिया जाता है रात के दिन और तेरह के दिन विशिष्ट ब्राह्मणों को दिया जाता है। तो शास्त्र का नियम है, ये सूचक तो है, इसमें विशिष्ट ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता। एक महापात्र होता है जो दान लेता है मरने वाला, उसको दान दिया जाता है, सब सामान दिया जाता है पूरा। अगर सही सही है तो मिलेगा, अगर लगा है सही जैसा शास्त्र का विधान, मंत्र भी सही हो, कर्मकांड भी सही हो, कराने वाला सही हो, दान देने वाले की भावना भी सही हो, इतनी खेत बताएंगे गए तुमको जैसे काले उपाय न सत्यम श्रद्धा समन्वितम, छह उपकरण सही हो तो मिलेगा उसको फल। लेकिन वो टेम्परेरी, जैसे हम संसार में किसी आदमी को खाना खिला देते हैं छह घंटे को खोलकर, तृप्ति हो गई छह घंटे की, फिर भूख लगेगी उसको, वो हमेशा के लिए शांति नहीं हुई। इतनी चीजें कर्मकांड की हैं, स्वर्ग संबंधी है और लिमिटेड है। जैसे हम संसार में किसी को खाना कपड़ा या कोई भी सहायता करते हैं उसके दुख में, और उसके बाद फिर वो दुख खाता है उसके पास, फिर भूख लगती है, फिर कपड़ा चाहिए, फिर बीमारी हुई, फिर दवा चाहिए, वो चीज हमेशा को नहीं मिल सकती। अब पहले तो ये कारण कि श्राद्ध के समय जो ऋषि मुनि श्राद्ध कराते थे, आत्माओं को बुलाते थे, इतनी योग्यता थी उनमें। अब तो पंडित जी खाली अपना मुंह से बोल देंगे जो लिखा है श्लोक, वो भी सही होता है। मान लो हम नहीं कहते कि सब सही नहीं होता, सही भी होते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से जो कराते हैं उनका तो सही होता है, लेकिन उससे वो श्राद्ध का नियम नहीं है। वही खेल चीजें होनी चाहिए, भगवान का संबंध हो गया ना, भगवान के लिए आपने जो किया वो डायरेक्ट हो गया। पर ज्ञानी हो तब ना, और बहुत सी चीजें संसार में करनी पड़ती है, इसलिए कि नहीं करोगे तो समाज में निंदनीय होगा और निंदा सहन करने की शक्ति सब में नहीं है। इसलिए कोई चीज अगर गलत भी है तो क्यों विपत्त कर रहे हैं समाज में, इसके करना 50 लाख की प्रॉपर्टी तो ले लिया और उसको उसके लिए 2000 रुपया नहीं खर्च कर सकते मरने के बाद, ये लोग कहेंगे तुम्हारे बाप की 50 लाख की प्रॉपर्टी वो तब तो ले लेगा तुम्हारा भाई और दान करने और खर्च करने में वो कहेगा कि साहब ये सब कर्मकांड जो है वो साथ मिली रहे थे इसलिए हम नहीं करते। समाज में उसकी लड़ाई होती है, महापुरुष ऐसा दान स्वीकार करता है, भगवान भगवान महापुरुष के यहाँ ये तो पिछड़े है ही नहीं, ऐसा वैसा कैसा जैसा, उनको कुछ पाप पुण्य छू सकता है क्या? अन्य धर्मा धन्यत्रा धर्मा उसको क्या डरता है भगवान को, और सब पहले में तो बैठे है ही है, वो तो ग्रहण कर ही रहे हैं। आप किस महापात्र को दान करते हैं मरने के बाद, उसके अंतर करने में तो भगवान बैठे हैं, वो ले रहा है तो भगवान ही अंदर बैठे हैं, वो ले ही रहे वो सब व्यापक भी है, उनसे अलग क्या है, सवाल ही नहीं पैदा हो। उनके यहां तो विधि नहीं चलती ना, इसलिए फायदा है। यज्ञ करो यदस्नाथ यज्ञ हो कि ददाती, अब
पत्रम पुष्पम फलम सोयम महाप्रभावी केवल भक्त्या मैं अच्छा थी है तब क्योंकि भक्त सुखम अस्नामी और देवताओं के यहां स्वर्ग में कायदे कानून, संसार में कायदे कानून, चाय बढ़िया बनाई, ट्रेक पिता हो, सब पिता हो, ले जाने की भी सभ्यता हो, उसको देते समय भी सभ्यता रहे, उसके ऊपर गिरा मत दो, कहीं मिस्टेक हुई डांट पड़ी नौकर वहां भक्ति नहीं चलेगी कि साहब मैं इतने प्यार से आया हूं, वहां प्यार साहब नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान के यहां चलता है अकेले भी छिलके खाए, संसार में देखो किसी अकेले के छिलका गेस्ट को देख लो तुरंत तो गेट आउट हो जाए तो 50 गाली देखो तुमको अलग इतनी इज्जत की हमारी भगवान और महापुरुष के यहां क्षमा क्षमा है, बुद्धि बल का काम नहीं है, वहां तो निर्बल के बलराम है। देवता लोग भी स्वीकार करते हैं मंत्र के द्वारा, संसारे नहीं देवता लोग, संकल्प आ जाता है ना किसी चीज के दान करने आज इस कल्प में इस संवत्सर में इस युग में इस सन में वो संवत्सर बोलते हैं इस महीने में इस पखवाड़े में इस तिथि पर ये दान अमुक आदमी को दे रहा है लंबा तो रहा है ना सब दबे सब क्या है तो नहीं वो बेकार नहीं हुआ जो अपनी प्रशंसा के लिए लोगों से कहते हैं हमने ये दान दिया वो बेकार हो जो मंत्र के अनुसार दान कर रहा है वो बेकार नहीं हो गया भाई दान करने में अब देखो एक आदमी दान करता है 100 भी श्रद्धा दीनता बाहर से भी नम्रता आई एक ठीक मान रहा अपने हुए मेरे दस तक सहयोग देख रहे और ये भी देख रहे लोग देख रहे हैं कि नहीं मैं दान कर रहा हूं हमारे वृंदावन का क्या हाल है सैकड़ों ऐसे व्यक्ति कि हमारा हमारे बाप का नाम खुलवा दो हम 1,00,000 देंगे हमने कहा बिल्कुल नहीं अब हमारा 1 करोड़ का बन गया फल लेकिन हमने किसी का नहीं दिया पैसा ऐसा जिसमें उसका उसके बाप का नाम दिखाओ पत्थर पर उसको तो अब उसके दिमाग में बीमारी है दान कर रहा है इतनी प्रतिष्ठा के सब लोग आके नाम पढ़े उसके और उसके बाप वो दान देखा जहां प्रतिष्ठा का विषय है अहंकार का विषय है वो सब चीजें बेकार है चाहे उत्तम हो चाहे दत्तम हो असद्धया है वो श्रद्धा नहीं कहलाती भक्त्या पे अच्छे थी वहां पर राजा थे रामचंद्र भगवान के बाप दशरथ उनके बाप अज उनके बाप रघु उनके बाप दिलीप हाँ बाबा दिलीप का क्या नंदिनी का अनिल होगा हाँ तो रघु ने अपना सारी संपत्ति दान कर दी जिसने जो मांगा उसको दिया तो एक से स्वेच्छेतु और एक उनके शिष्य से उद्धारक तो जब गुरु जी ने सब शास्त्र में पढ़ा दिया तो शिष्य ने कहा महाराज वो दक्षिणा क्या होगी बताइए तो उन्होंने कहा तू गरीब इतना है क्या देगा कोई दक्षिणा क्या गिद्ध पाटक पकड़ गया तो उन्होंने कहा मैंने 14 विद्याएं उसको पढ़ाई है सिखाई है तो 14,000 सोने की मोहरे लाते 14,000 सोने की मोहरे उसके एक भी मोहर नहीं
अब वो देश के संग रह गया कि जब ये खुद मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे हैं तो हमको सोने की मोहरें और 14,000 उसको बेचारे को एकदम संग रह गया। रघु ने पूछा महाराज कैसे आए, उन्होंने कहा ऐसे मिलने चले आए। उन्होंने कहा नहीं ये बात तो नहीं है, हमारे पास ऐसे मिलने तो हम क्यों आएगा। तो बता दी, उन्होंने कहा मिलेगा कहां से मिलेगा, कुछ है ही नहीं कोषागार में। तब उन्होंने कहा कि कुबेर का हमला करें। तो राजाओं के लिए नियम है कि अगर एक राजा दूसरे राजा को जीत ले और जीत करके उसका भंडार ले आवे तो लीगल। तैयारी हो गई, अब स्पिरिचुअल पावर थी। 9 साल की उम्र में तो उन्होंने इंद्र को बांध दिया था, अब सुमेर क्या दिक्कत रहे थे दिलीप उस समय, अब तो बड़े हो गए। नारे भी गए कुबेर के पास, उसने कहा तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है, तुम खाद के यहां मतलब रस्सी कर रहे हो। उसने कहा किसका हमला हमारे ऊपर होगा भाई, कहा रघु का। पूछा कौन रघु, जो तुम्हारे स्वर्ग सम्राट इंद्र को 9 साल की उम्र में बांध के पकड़ के घसीटते हुए ले गए थे बाप के पास, जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया, वो रघु है। कहते मैंने गुनाह क्या किया है जो मेरे पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा गुनाह नहीं किया तुमने, कुछ एक ब्राह्मण आया है वो मांग रहा है 14,000 सोने के मोहरे, इसलिए कर रहे हैं। हम क्या करें, उन्होंने कहा उसका खजाना भर दो, सोने की मोहरे से तुम्हें तुम्हारा कौन खर्चा होता है, अरे मंत्र शक्ति है तुम्हारे पास। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, सारा भंडार भर गया सोने के मोहरे, खजांची भागा भागा आया। उन्होंने कहा महाराज चमत्कार हो गया, सारा खजाना भरा है सोने की मोहरों। तुमने कहा ठीक है कैंसिल करो हमला मत करो। उन्होंने कहा महाराज ले जाओ, उन्होंने कहा हम तो 14,000 ले जाएंगे बस, ज्यादा नहीं ले जा सकते, उनकी आज्ञा नहीं है। अब लड़ाई होगी, रघु कहे कि नहीं साहब तुम्हारे लिए आया है, मैं कैसे रखूंगा। उन्होंने कहा अनुदेव खुद गुरु की आज्ञा 14,000 सोने के मोहरों की है, उसने हमने बहरहाल मुकदमा दिया गुरु जी के साथ। गुरु जी ने आज्ञा दिया था रघु को ये 14,000 भी रखो और बाकी भी रखो और अपना जैसे जैसे पात्र तुमको मिले अच्छा उसको दान करते रहना। मैंने तो इसको जिद किया इसलिए तो मैंने कह दिया था, और कुछ जरूरत उन्होंने किया क्योंकि रघु का प्रबंध था गुरु जी के लिए सब खाने कपड़े का चीजों का। दान में भावना होनी चाहिए देने वाले सही और पाने वाला भी सही पात्र होना चाहिए, ये दो तो खास नहीं। अगर अहंकार उसके अंदर है तो गया दान दो और दान देने की बुद्धि को भी दो तब दान रखें। एक सम्राट गया एक महात्मा के पास विरक्त होकर, सब वैसे चल पड़ा सिंहासन पर लेकर बैठा था। गुरु जी ने देखा महात्मा ने, उन्होंने कहा त्याग करके आ, ये सोचा त्याग तो कर लिया है मैं राज्य का, अरे ये मुकुट वगैरह पहने हुए महाराज गलती हो गई तो गया सब फेंक फाक के आगे काली कपड़े पहने। फिर दोबारा कहा महात्मा जी ने त्याग करके आ, सारे कपड़े फेंक दिए नंगा गया। तीसरी बार महात्मा ने कहा कि तुझको मैंने 2 बार कहा त्याग करके आ, तूने नहीं सुना, अब भाग गया मेरे पास आना मत कर। अब राजा बेचारा निराश हो गया कि अब क्या त्यागू, शरीर त्याग तू क्या करूं, एक पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगा। कई दिन बीत गए, जब उसका अहंकार मिट गया तो मैंने त्याग किया है, मैं राजा था एक दिन,
राजा होकर के आज मैं सिर झुका रहा हूँ। ये जो अहम मान्यता थी जब खत्म हो गई तो गुरु जी स्वयं गए, उन्होंने कहा राजन तो चुप, ओ त्यागी जी चुप। मुझे तो लगा लिया, उन्होंने कहा आप क्या कीजिए। अरे अहंकार मिटाने के लिए तो सारे साधन है, अब तुम वही रखे हो पाले हो उसको तो फिर क्या है, तुम्हारा दान हो चाहे यज्ञ हो चाहे कोई साधन हो सब जिलों में पूरा। पास तीनों गए थे देवता मनुष्य राक्षस तीन संतान, और तीनों ने कहा महाराज कुछ हम लोगों को उपदेश दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तीनों की ओर देख करके और कह दिया दा दा दा, बस हो गया लेकिन। फिर तो अपने अपनी पार्टी के गुरुओं के पास लोग गए, ये क्या मतलब होता है दा तुम्हारा। देवता लोग बृहस्पति के पास गए, राक्षस लोग पिता जान के पास गए, मनुष्य भी गए अपने गुरु के पास। तो बता दिया उन लोगों ने, बताइए मैं मनुष्यों के लिए केवल दान ही कल्याणकारक। स्पेशल कोई महापुरुष सब कुछ कर सकता है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, वो बात अलग है, तो नियम का अपवाद है। लेकिन आम नियम जो मृत्यु लोक में या स्वर्ग लोक में जहां कहीं भी माया का आधिपत्य है, वहां का एक ही नियम है, जो करेगा वो भरेगा। परम प्रिय जीवित नाथो भवे तस्या। रंजन मुरसो महेन्द्र मणिदामो श्रवसो कुबलय मक्षो, रंजन मुरसो महेन्द्र मणिदामो वृंदावन तरुणीना मल्लन मखिल हर जयति। दुरापाल्प तपस सेवा वैकुंठ बर्मसु, भागवत भागवत के द्वारा जो जीव अंधा बना हुआ है तो सर्वव्यापक भगवान को नहीं रियलाइज करता। कहता गप है, हम तो पेड़ दिख रहे हैं, पेड़ में भगवान बैठा है ये हमें नहीं दिखता, अपने अंदर बैठ नहीं दिखता, बाहर कौन कहे। अरे मंदिर में जिसको तुम भगवान मान के पूजा करते हो वो इन्हीं पहाड़ों की चट्टान तो है, उसको तोड़ फाड़ के ठोक ठाक के हथौड़ी से और मूर्ति बना दिया आपने, उसको मंदिर में रख दिया और कहते हैं भगवान बैठे हैं। करने वाला भक्ति करने वाला साधना करने वाला भाग्य वाला दुरापा हेल्प तपसा सेवा, किसकी सेवा वैकुंठ बर्तमसु, भगवान के जो द्वार स्वरूप है संत लोग उनकी सेवा। बड़े से बड़े भाग्यशाली को मिलती है, वरना सार माँ बाप बेटा स्त्री पति की सेवा करते रहते हैं संसार में। सारा जीवन उसी में खत्म कर देते हैं, तन भी उनके लिए मन भी उनके लिए धन भी उनके लिए।
अगर वो हमारे संपर्क में ना आते तो हमसे पूछते ना, हमको लिखते ना, हमसे कहते ना। अब वो संपर्क में आने से हमसे उन्होंने कहा, फिर मैंने उनको लंबा लेक्चर लिखा, वो बच गए। जहां संसार की कोई मुसीबत आई किसी के ऊपर पड़ी, बाप आत्महत्या सोचते। इनका सबका फल भगवान देंगे कभी न कभी। क्या बात। अरे तुम लोग साधना भक्ति करते हो, हमारा यही छोटा काम जो है इसी से कुछ मिलेगा ही पुरस्कार। तुम्हें देखा तो फिर औरों को किन आंखों से हम देखें? तुम्हें देखा तो फिर औरों को किन आंखों से हम देखें? ये आंखें फूट जाएं गर के इन आंखों से हम देखें। वाह। देखते रहिए उनकी आंखों को, देखते रहिए उनकी आंखों को, और कुछ मैकसी नहीं होती। देखते रहिए उनकी आंखों को और कुछ मैकसी नहीं होती। उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उस मैं से जो दिल ही में खींचती हो। मकसूद है उस मैं से जो दिल ही में खींचती हो। पहले मलाल था कि उन्हें हमने देखा नहीं, अब ये मलाल है कि तमन्ना निकल गई। वाह। तो देखना न देखना सब बराबर हो गया। जो मजा इंतजार में है वह कभी सपनों में आ जाते, कभी रूपोश हो जाते। कभी सपनों में आ जाते, कभी रूपोश हो जाते, और सबक पूछो तो कह देते कि हम खिलवाड़ करते। वाह। जिसे तू चाहे ममता लोभ क्रोध, ये सब चीजें निंदनीय भी है और वंदनीय भी है। ईश्वरीय जगत में हो जाए तो वंदनीय है, और माइक जगत में हो जाए तो निंदनीय है। पर राख है पाओ इस चमन मैदान में, ऐसा हो तो आओ और नहीं तो वापस जा। एक दिन इंशाअल्लाह इश्क सच्चा है तो एक दिन इंशाअल्लाह कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। कच्चे धागे में चले आएंगे सरकार बंधे। मारे जी शेर अर्ज है, जले दिल अपने गम की ना कभी फरियाद करते हैं, सताए जिनसे जाते हैं उन्हें बस याद करते हैं। लज्जत है फिर भी दुनिया जान देती है, न कुछ लज्जत है फिर भी दुनिया जान देती है, खुदा जाने मोहब्बत में मजा होता तो क्या होगा। एक लज्जत पे है तेरे से करे, ये वो शय है मोहब्बत, ये वो शय है कि न बात इससे करे, संखिया खा के मरे इसको जब आप पहले करे। बोलो
तरणी जा तट कुंज बिहारिणम तरणी जा तट कुंज बिहारिणम ललित गोप बधू पटहारिणम ललित गोप बधू पटहारिणम ललित गोप बधू पटहारिणम सकल योग कला समलंकृत सकल योग कला समलंकृत मुरभिदं प्रणमामि रमाधवम् मुरभिदं प्रणमामि रमाधवम् तटकुंज बिहारिणम तटकुंज बिहारिणम ललित गोप बधू पटहारिणम ललित गोप बधू पटहारिणम सकल योग कला समलंकृत मुरभिदं प्रणमामि रमाधवम् हाँ श्लोक सब लोग लिख लो याद कर लो। माने यमुना के तट पर जो कुंज है वृंदावन में उसमें विहार करने वाले तरणिजा तट कुंज बिहारिणम और ललित गोप बधू पटहारिणम और अनंत कोटि कंदर्प लावण्य ब्रज गोपियों के चीर को हरण करने वाले और सकल योग कला समलंकृतम और समस्त योगीश्वरों की योग कला से संयुक्त ऐसे मुरभिदं मुर नाम के राक्षस को मारने वाले रमा के पति को मैं प्रणाम करता हूँ। वृंदावन में उन्हें विहार करने वाले तरणिजा तट कुंज
कुंज बिहारिनम और ललित गोप वधु और जो परम सुंदर गोपियां हैं उनके पट को चीर को हारिनम चुराने वाले और सकल योग कला और सारी योगेश्वरों की जो योग कला है उससे समलंकृत माने युक्त ऐसे मुरभिदम मुर नाम के राक्षस को मारने वाले रमाधमम रमा के पति को मैं नमस्कार करता हूँ। गोपांगना चदुकूल चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषं नमामि ब्रज में निवास करने वाले ब्रजे बसंतम और नवनीत चौरम मक्खन चुराने वाले और गोपांगना नाम चदुकूल चौरम और गोपियों के चीर चुराने वाले और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम और अनंत जन्मों के पाप को चुराने वाले ऐसे चोरों के सिरमौर श्याम सुंदर को नमस्कार करता हूँ। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषं नमामि पूरी लाइन बोलो। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चौरम ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चौरम ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषं नमामि भगवत पदे। शास्त्र कहते हैं संसार में होशियार बन के रहो, किसी का विश्वास न करो, हृदय को कठोर रखो,
और हरि गुरु के यहाँ विश्वास करो, शरणागत हो और हृदय को पिघलाओ। ये दो विरोधी साइड है। जैसे संसार में जब कोई मेहमान आता है तो ठीक से साड़ी वाड़ी पैंट वैंट पहन करके उससे मिलने आता है आदमी, और जब अपने कमरा बंद करके बाथरूम में बैठता है तब नेचुरलिटी से बैठता है, अलग अलग व्यवहार करता है दोनों जगह। ऐसे ही संसार और भगवान के क्षेत्र में अलग अलग व्यवहार होता है। चंद्रमान मकरंद बिंदव चंद्रमान चंद्रमान मकरंद बिंदव चंद्रमान मकरंद बिंदव नंद नंदन पदार बिंद चंद्रमान मकरंद बिंदव सिंधव परम सौख्य संपदा सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् नंद नंदन पदार बिंदयो चंद्रमान मकरंद बिंदव सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् पूरी लाइन बोलो नंद नंदन पदार बिंदयो स्यन्दमान मकरंद बिंदव नंद नंदन पदार बिंदयो चंदमान मकरंद बिंदव नंदनंदन के पादार बिंद से सदा प्रेम का अमृत झरता रहता है। नंदनंदन पादार बिंद चंदमान मकरंद बिंदव और समस्त सुखों के सिंधु है, आनंद सिंधु है श्याम सुंदर। सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् वे नंदनंदन हमारे हृदय में प्रेमानंद प्रदान करें। नंद
سن پزار بند شند مان مکرند بند سنگھو پرم سوکھ سمپدا نندو ہدی مشم نند نندن پدار بند شند مان مکرند بند پرم سوکھ سمپدا نندو ہدی مشم نندو ہدی مشم لکھ لو اس کو بھی جلپ ساہسن شارد چندر کانتی جنتا سوتو تمانسی سماپیانتی سوری جی ٹھاکر جی سے ملنے جا رہی ہیں رات کو للیتا سکھی ساتھ میں ہے للتا جی کہتی ہے کشوری جی سے مندم ندھی چرنو دھیرے دھیرے پیر رکھو نوپور کی آواز آئے گی کوئی سن لے گا پھر وہ دیکھنا چاہے گا کون جا رہی ہے بدنامی ہو جائے گی تو مندم ندھی چرنو تو کشوری جی دھیرے دھیرے چلنے لگی تو پھر للتا نے کہا پریدھے ہی نیلو باسا پیدھے ہی نیلامبر سے شریر ڈھک لو تمہارے شریر سے چمک نکل رہی ہے تو اندھیرے میں وہ دور سے دکھائی پڑتا ہے کہ یہ لائٹ کیسے جا رہی ہے تو مندم ندھے چرنو پریدھے ہی نیلو باسا پیدھے ہی بلیا ولی من چلے نا اے ہیرو کے کنکر جو ہے ان کی بھی لائٹ نکل رہی ہے تو آچل سے ڈھک لو ان کو نہیں دور سے کوئی دیکھے گا تو کہے گا یہ لائٹ چمکتی ہوئی کدھر کو جا رہی ہے تو باس اپ بلیا ولی من چلے نا کشوری جی نے کہا ارے تو تو مصیبت کی ہے ارے تو للتا نے کہا ماں جل پو ارے بولو مت لو بولنے کو نہیں دھیرے دھیرے تو بول رہی ہوں ماں جل پساہسن شارد چندر کانتی چنتان سب تب تمانسی سماپیانتی تمہارے بولنے سے تمہارے دانتوں کی چمک جو شرد پورنیما کے چندرما کے سمان باہر نکل رہی ہے وہ اندھیرے کو سماپت کر دے رہی ہے اور اس سے آؤٹ ہو جائے گا آپ کوئی جا رہا ہے تو ماں جلپ ساہسن شارد چندر کانتی جنتان سوس تب تمانسی سماپیانتی چار بڑی آسلوک
थोड़ी मेहनत करो तो याद हो जाए। कुछ श्लोक मैंने नए सोचा करो जरा बुद्धि से, डर से ही सही याद कर लोगी तो भविष्य में तुम्हारे लाभ होगा। ने सारी तव माने तुम्हारी समान सुमाने अंधकार को समापन तुम्हारे खत्म कर देंगे। मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् करारविंदेन पदारविंदौ छोटे से ठाकुर जी अपने हाथ रूपी कमल से पैर रूपी कमल के अंगूठे को पकड़कर मुख रूपी कमल में डाल रहे हैं, पी रहे हैं, पी रहे हैं। करार बिंदे न पदार बिंदौ मुखार बिंदे विनिवेशयन्तौ बटस्य पत्रस्य पुटे शयानौ बरगद के पत्ते के ऊपर लेते हैं महाप्रलय में। मार्कंडेय ने महाप्रलय के दृश्य देखने की कामना की, उनको वरदान दिया तब ये रूप दिखाया। पटस्य पत्रस्य पुटे शयानौ बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि ऐसे बाल मुकुंद को मैं मन से स्मरण करता हूँ। करार बिंदे न पदार बिंदौ मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि बहुत सरल है। पक्षा इव मातरं खगा वक्त्रं यथा स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधारता तन्यम यथा वत्सतरा सुधारता तन्यम यथा
वत्स तरा सुधारता वत्स तरा वत्स तरा सुधारता प्रियं प्रियेव दूषितं विषण्णा दूषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् दिदृक्षते त्वाम् दिदृक्षते दिदृक्षते त्वाम् दिदृक्षते पहला है दी और दूसरा है द्रि दिदृक्षते त्वाम् अजात पक्षा इव मातरं खरा जिनके पंख नहीं होते अजात पक्षा माने जिन पक्षियों के पंख नहीं होते छोटे बच्चे तुरंत के पैदा हुए अजात पक्षा इव मातरं खत वो अपनी माँ को परखते रहते हैं क्योंकि उड़ नहीं सकते हो माँ जो कुछ ले आएगी अपनी चोट से वो बच्चे के मुंह में डाल देगी तब बच्चे की भूख शांत होगी तो अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा आधा सा पूरा ता फिर आधा ना फिर या फिर उसके ऊपर बिंदी स्तन्यं यथा वत्स तरा क्षुदारता जैसे गाय के बछड़े बंधे रहते हैं गाय का मालिक गाय का दूध चाहता है अगर बछड़े को छोड़े रहेगा तो सारा दूध पी जाएगा बछड़ा इसलिए बांधे रहते हैं लोग बछड़े को तो बछड़ा परखता रहता है कि कब हमको खोले हम दूध पिए और प्रियम प्रियेव ऐसे कोई प्रेयसी प्रियतम की प्रतीक्षा करती रहती है दूषितम विषण्णा जैसे कोई वियोगी अपने प्रिय का चिंतन करता है माँ बेटे का बेटा माँ का सखा सखा का दूषितम विषण्णा ठीक उसी प्रकार मेरा मन भी श्याम सुंदर आपके देखने के लिए तड़प रहा है मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम् आकारं चिदानन्दाकारं चिदानन्दाकारं श्रुति सरससारं चिदानन्दाकारं श्रुति सरस सारं समरसं श्रुति
चिदानंद के आकार के जो है जिनका शरीर मेटीरियल नहीं प्राकृत नहीं, ऐसे चिदानंदाकारम और श्रुति सरस सारम चारों वेदों के जो रस है उस रस के सार स्वरूप है श्री कृष्ण समरसम। और एक रस रहते हैं सदा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय है और निराधार के आधार हैं और भवसागर के पार स्वरूप हैं और गुणों से परे हैं। पर गुणम, तीन गुण से जो माया के गुण हैं इनसे परे हैं। और रमाल महालक्ष्मी के ग्रीवा के हार हैं और ब्रज वन में विहार करते हैं, वृंदावन में विहार करते हैं और हर अनुतम भगवान शंकर भी उनकी उपासना करते हैं। ऐसे परम सुख के जो कंद स्वरूप हैं गोविंद, ऐ मनुष्यों उनका भजन करो। चिदानंदाकारं श्रुति सरस सारं समरसं, चिदानंदाकारं श्रुति सरस सारं समरसं, निराधार आधारं भव जलधि पारं परगुणं, रमा दीवारं ब्रज वन विहारं हरन्तम्।
गोविंदम परम सुख कंदम भजत रे सदा गोविंदम परम सुख कंदम भजत रे साकारम श्रुति सरस सारम परम साकारम श्रुति सरस सारम समरसम रमा ग्रीवा हारम को खाली ऊंचा करो बाकी को नीचा रहने दो रमा ग्रीवा हारम व्रज बन विहारम हर रुतम कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुल ने 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 ले लिया शांति को हाँ ले लिया शांति चरंतं गोविंदं चरंतं गोविंदं हलधर सुदामादि सहितं हलधर सुदामादि सहितं अये कृष्ण स्वामी अये अये अवया में एक मात्रा अये कृष्ण स्वामी अये कृष्ण स्वामी कृष्ण स्वामी कृष्ण स्वामी मधुर मुरली बाजल विभो मधुर मुरली बाजल विभो प्रसीदे त्याक्रोशन प्रसीदे त्याक्रोशन प्रसीदे त्याक्रोशन प्रसीदे त्याक्रोशन निमिष निव निव निमिषमिव 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 नेष्यामि दिवसान् नेष्यामि दिवसान् हे श्याम सुंदर वो दिन कब आएगा कि जब वृंदावन में यमुना के किनारे गाय चराते हुए हलधर सुदामा जी के साथ में गाय चराते हुए श्री कृष्ण को पुकारूंगा अरे कृष्ण स्वामी मधुर मुरली बजाने वाले श्याम सुंदर दर्शन दो
मुझ पर कृपा करो, ऐसा करते हुए कब पूरा दिन एक क्षण के समान बिताएंगे, ऐसा दिन कब होगा। दोनों श्लोकों का राग एक, उसके नाम होते हैं छंद, अनुष्टुप छंद, श्रद्धा छंद, बसंत तिलका छंद, उपेंद्र बज्रा छंद, श्रद्धा छंद, शिखरनी छंद, मालिनी छंद, सब छंदों के नाम। उनके नियम है कितनी मात्रा होनी चाहिए, एक लाइन में आधे में कितनी होनी चाहिए, पहले कौन सी मात्रा होनी चाहिए, उसके अनुसार कविता बनाई जाती है। ये गीता अनुष्टुप छंद में है। भागवत में कई छंद, करीब करीब सभी छंद श्री कृष्ण का जो श्लोक है कदा वृंदारण्य, इसकी देखा देखी शिव भक्तों ने भी एक श्लोक बनाया काशी के लिए कदा वाराणस्याम अमर तटिनी रोध त्रिद्रुतम बसान कौपीन शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम् अये गौरीनाथ त्रिपुर हर शंभो त्रिनयन प्रसीदे त्याक्रोशन निमिषमिव नेष्यामि दिवसान। उसने अपने शंकर जी के लिए बना दिया श्लोक। संचालयन पाद सरोरुहाग्रं कृष्ण कदायास्यति दृक्पथं मे। तमाल वर्ण के सापेक्ष माने तमाल, मैया के अस्तन को मुंह में डाल के पी रहे हैं और दोनों पैर को उछालते जा रहे हैं खुशी के मारे, गोद में मैया के दोनों पैर ऊपर को उछाल रहे हैं और मुंह में अस्तन डाल के पी रहे हैं। ऐसी झांकी वाले श्याम सुंदर को मैं कब देखूंगा। तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है, तुम्हें चाहूं तुम्हारे चाहने वालों को मैं चाहूं, ये डबल मुसीबत। मुझे दिल फेर दो, ये सौदा पट नहीं सकता। मुझे दिल फेर दो, ये सौदा पट नहीं सकता। और तुम्हारे कितने भक्त हैं, अब कहीं गड़बड़ हो जाए, नामा पराग हो जाए तो सब बातें बिगड़ जाए, इसलिए भाई ये सौदा बड़ा महंगा पट नहीं सकता।
नजर में सादगी, लब पे हंसी और खिलता हुआ चेहरा। नजर में सादगी, लब पे हंसी और खिलता हुआ चेहरा, वो कातिल है, वो कातिल है, मगर दिल से लगाने के बाद मथन मंदर पर मंदर मे भुजग तल्प गतं घन सुंदरं भुजग तल्प गतं घन सुंदरं गरुड़ बाहन मं दुजलोचन गरुड़ बाहन मं दुजलोचन भुजग तल्प गतं घन सुंदरं गरुड़ बाहन मं दुजलोचनं जलधि जाश्रित पाम कलेवरं जलधि जा जलधि जाश्रित जलधि जाश्रित बाम कलेवरं जलधि जाश्रित बाम कलेवरं भजत रे मनुजा कमलापतु भजत रे मनुजा भजत रे मनुजा कमलापति भजत रे मनुजा कमलापति भुजग तल्प गतं भगवान शेष नाग पर सो रहे हैं ऐसे भगवान को मनुष्यों स्मरण करो भजन करो भुजग माने सांप शेषनाग कल्प माने शैया शेषनाग की शैया पर सोने वाले घन सुंदरम बादलों के समान कांति वाले भुजग तल्प गतं घन सुंदरं भुजग तल्प गतं घन सुंदरं गरुड़ बाहन गरुड़ की सवारी करने वाले और कमल के समान जिनका मुख है आंख है गरुड़ बाहन निखिल हृदिभान्तं भुवन पंपिदादान्तं प्रान्तं दनुजनिचयान्तं सुचरितं सदातं गोपी एक लाइन को सूची की आई है भाई अभी हो गई याधीरैर्ध्येयम् धिया धीरैर्ध्येयम् श्रवण पुट पेयम् श्रवण पुट
श्रवण पुट पेयम यति बरैर महावाक्यैर्गेयम् त्रिभुवन विधेयम् विधि परम् मनोमानामेयम् सपदि। दुनिया में तो नरक ही है, भोगते भोगते तो सारा जीवन बीत गया, आप कब तक भोगे, थोड़ी दिन तो और आपके पास रह ले, ऐसे बोलोगे। और ये तो शरीर है, हम अगर किशनगढ़ में ही बीमार हो जाते 10 दिन के लिए तो कौन सा हमारा आसमान टूट पड़ता या सर्विस छूट जाती या दो रोटी खाने को न मिलती, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बातें बाद में सोचता है मनुष्य, पहले जबरदस्ती उससे कराया जाता है। छोटे बच्चे को सिर पकड़ के माँ बाप महात्माओं के चरणों में डाल देते हैं, फिर बाद में वो समझने लगता है तो अपने आप प्रणाम करता है। पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी, पहले जबरदस्ती फिर स्वाभाविक। लोग आंख बंद करते हैं, रूप ध्यान नहीं बनता है, फिर भी बंद करते हैं, चेष्टा करते हैं धीरे धीरे, फिर रूप ध्यान जब बन जाता है तो आंख खोल के भी रूप ध्यान कर सकता है। भजतुरे सदा तम गोविंदम परम सुख कंदम भजतुरे। जिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष करते हैं और जिनकी कथा बड़े बड़े योगींद्र सुनते हैं, श्रवण पुट पेयम, और जो महावाक्यों से जाने जाते हैं, तत्त्वमसि, अहम् ब्रह्मास्मि, अयम् आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम् ब्रह्म, ये सब महावाक्य हैं। शेष भगवान में लागू नहीं होता, और मन से परे और लिमिट से परे, सीमा से भी परे, लेकिन तत्काल हृदय में निवास करने वाले और नित्य नवीन शरीर रखने वाले ऐसे परम सुख कंद श्याम सुंदर का भजन कर। धिया धीरैर्ध, अलंकार कितना है इसमें, धिया धीरैर्धेयम् श्रवण पुट पेयम् यति बरैर्। धिया धीरैर्धेयम् श्रवण पुट पेयम् यति बरैर्। महावाक्यैर्गेयम् त्रिभुवन विधेयम् विधि परम्। महावाक्यैर्गेयम् त्रिभुवन विधेयम् विधि परम्। मनोमानामेयम् सपदि हृदि नेयम् नवतनु। मनोमानामेयम् सपदि हृदि नेयम् नवतनु। सदा तम् गोविंदम् परम सुख कंदम् भजतु रे। सदा तम् गोविंदम् परम सुख कंदम् भजतु रे।
फिर धीरे 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 तो वो समय आता है कि मैं कहूँ मास्टर साहब अब जाओ बहुत भुवन पम विवादांतम दांतम दनुज निचयांतम सुचरितम सदातम गोविंद परम सुख कंदम भजत रे सदातम गोविंदम परम सुख कंदम भजत रे रमाकांतम कांतम रमाकांतम कांतम भव भय भयांतम भव सुखम भव भय भयांतम भव सुखम भव भय भयांतम भव सुखम दुराशांतम शांतम दुराशांतम शांतम निखिल हृदय भांतम भुवनपम निखिल हृदय भांतम भुवनपम विवादांतम दांतम विवादांतम दांतम दनुज निचयांतम सुचरितम दनुज निचयांतम सुचरितम सदातम गोविंदम परम सुख कंदम भजत रे सदातम गोविंदम परम सुख कंदम भजत रे क्या रमा के पति परम सुंदर संसार के भावबंधन को काटने वाले और सुख के रूप अशांति को दूर करने वाले नित्य शांत रहने वाले पालन करने वाले विवाद क्या जो अंत है वो स्वरूप जहाँ विवाद खत्म हो जाते हैं शास्त्र वेदों के और जो सदा स्वतंत्र हैं जितेंद्रिय हैं ृंदाराधिपंदेहम कुंडाहामलमंदम पुरुषानंदम पंजाशेषम ब्राह्मण मानस पंजानंद पदद्वंदम पंजाशेष गुणाभ्यम प्रणमत गोविंदम परमानंदम भगवान जो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है वो बताया है सत्यंग ज्ञानम अनंतम वेद मंत्र है सत्यंग ज्ञानम अनंतम नित्यम अनाकाशम परमाकाशम गोष्ठ प्रांगण रिंगण लोल मनायासम परमायासम माया कल्पित नानाकार मनाकारम अभुवनाकारम अक्ष्मामानाथ मनाथम प्रणमत गोविंदम परमानंदम श्री कृष्ण दो विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है निराकार भी है साकार भी है निर्गुण भी है सगुण भी है अकर्ता भी है कर्ता भी है सर्वव्यापक भी है सबसे परे भी है विश्वरूप भी है विश्वातीत भी है विश्व के भीतर भी है हर प्रकार का विरोध बताया है इस श्लोक में
याद कर लो जिसको सुन के सुखदेव परमहंस भागवत सुन रहे हैं। अहो वकीयम, अहो वकीयम स्तन काल कूटौ जिघांसया पाययदप्यताध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां तपोल्यौ कौला दयालु शरणं ब्रजेम। जिस पुतला ने जहर पिलाया उसको भी अपना लोक दे दिया, ऐसे दयालु श्याम सुंदर को छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं। इसी श्लोक को सुनकर सुखदेव परमहंस की समाधि छूटी। हम कल्प तरोगलितं फलं सुखमुखा दमृत द्रव संयुतं पिबत भागवत रसमालय रहो रसिका भूमि भावुका। वेद रूपी वृक्ष से उत्पन्न हुआ फल वेद कल्प वृक्ष के समान है, उसमें फल लगा और वो फल अपने आप गिरा पक करके, कच्चा नहीं, और उसमें अमृत मिश्रित था उस फल में, वो फल है भागवत ग्रंथ। उसमें शुक ने चोंच भी मारा था, तो जो फल बहुत मीठा होता है उसमें सुगदा चोंच मार देता है, तो सुखदेव परमहंस के मुंह से निकली भागवत परीक्षित को सुनाया। वो किशोरी जी के शुक हैं जो पाल रखा था किशोरी जी ने, और कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो ये उनको पढ़ाया करती थी पाठ, वो सुख के अवतार है सुखदेव परमहंस, तो उनके मुख से निकली है भागवत। तो वो वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है उसमें सुख ने चोंच मारा है, झूठा किया है अपना, और वो फल ऐसा है जिसमें गुठली उठली नहीं है, क्योंकि पीवत भागवतम पीने के लिए कहा जा रहा है, फल तो खाया जाता है, खाने के लिए नहीं, इसमें रस ही रस है, न छिलका है न गुठली है। मुंह रहो रसिका भूज भावुका, जो रसिक हो कोई भाग्यशाली, वो इस भागवत रूपी रस को पिए। ये भागवत का प्रारंभिक श्लोक है। थोड़ा तुम लोग इंटरेस्ट पैदा करो तो सैकड़ों श्लोक याद कर लो, ऐसे हंसते खेलते चलते फिरते, और कितना सुख मिले उसके गाने में, उसका अर्थ मालूम हो। गाने बच्चे याद कर लेते हैं ना, अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना है। ऐसे याद कर लो।